हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि थायराइड में बिल्कुल नहीं खाएं ये चीज़, नहीं तो ये थायराइड की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। थायराइड एक किस्म का ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड में शरीर में आयोडीन लेकर इन्हें बनाता है। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम करता है। यह ग्लैंड किसी वजह से ज़्यादा या कम हो जाता है, यही थायराइड बढ़ना या थायराइड का घटना कहलाता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं में यानी लेडीज़ में ज़्यादा होती है। इसमें वेट बढ़ने लगता है या पेट घटने लगता है, नींद नहीं आती या पीरियड्स डिस्टरबेंस होती है, दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थायराइड में होती हैं, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ें नहीं खाएं, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट, कैफीन। कॉफ़ी जो होती है वैसे ये सीधे रूप में थायराइड को नहीं बढ़ाती, लेकिन ये थायराइड से होने वाली जो परेशानियां होती हैं उनको बढ़ा देती है, जैसे बेचैनी होना या फिर नींद नहीं आना। इसीलिए थायराइड पेशेंट कॉफ़ी नहीं पिए। इसके अलावा आयोडीन नमक, आयोडीन नमक जो होता है वो थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ाता है, इसीलिए इस नमक से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप सेंधा नमक का ही यूज़ करें। अल्कोहल, अल्कोहल यानी शराब, बियर, ये शरीर में एनर्जी लेवल को प्रभावित करते हैं। इससे थायराइड से ग्रसित लोगों की नींद में दिक्कत आने लगती है, इसीलिए आपको अल्कोहल नहीं पीना यानी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा आता है रेड मीट। रेड मीट कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, वेट को भी तेज़ी से बढ़ाता है। थायराइड वालों का वेट तो वैसे ही आगे ही बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए थायराइड पेशेंट ने रेड मीट का यूज़ नहीं करना। लेकिन ये नहीं है जिन लोगों का वेट कम होता है थायराइड में वो रेड मीट ले सकते हैं, नहीं, ये रेड मीट थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ाता ही है। इसके अलावा आता है वनस्पति घी। किसी ने भी थायराइड पेशेंट ने वनस्पति घी का यूज़ नहीं करना। वनस्पति घी का यूज़ करने से यानी कि जो रिफाइंड ऑयल हमें मिल रहा है उसका यूज़ करने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और थायराइड की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, इसीलिए इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।